वापस आना है, जहां से तुम गुजर रहे हो वो है वल्वावर्स का रास्ता। तो हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक क्या है, तुम्हें स्टार्टिंग का गाना जो मैं गा रहा था ना, वही देखकर समझ आ गया होगा। तो आज का टॉपिक है पोकेमोन में टाइम मशीन बनी कैसे थी, ठीक है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि कौन से एपिसोड की बात कर रहा हूँ, कौन से एपिसोड में टाइम मशीन दिखाई थी, तो एक कैलेस्टा वाला एक एपिसोड आया था, टीवी पे भी दिखा चुके हैं एक बार, पर अगर तुमने नहीं देखा है तो जाओ देखो भाई। और अगर तुमको नहीं पता कि टाइम मशीन क्या है, तो तुम पहले डोरेमोन देखो, उसके बाद यहाँ पर आना, या फिर पहले वीडियो देख लो फिर डोरेमोन देखने जाना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो और एक और चीज़ कि आज मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो आवाज़ कैसी लग रही है बताना, और कौन सा माइक यूज़ कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में पूछने की ज़रूरत नहीं, अभी बता रहा हूँ मैं कैसियो लेके आया था, और वही वाला जो कैसियो था उसके साथ मिला था एक माइक, वो वाला माइक अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा टाइम तक मत पूछते रहना कि कौन सा माइक यूज़ कर रहे हो, पर अगर पूछना है तो करो भाई कमेंट, हमको तो कमेंट चाहिए, व्यूज़ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए हमको तो। और मैंने एक वीडियो देखे थे, एक नहीं दो वीडियो देखे थे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक वीडियो था कि कौन से पोकेमोन हो तुम, तो उसमें मेरा स्कोर हुआ था 210 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो फिर ये इस वाले वीडियो में ना मेरा आंसर आया था 40,000, कि मैं 40,000 हूँ, मैं भी देख के हैरान हो गया। फिर उसके बाद विच लेजेंडरी पोकेमोन आर यू, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देखो। और एक और चीज़, वो जो वीडियो था ना, उसे देखकर मैंने ये, मैं देखकर हैरान हो गया कि मैं रायक्वाजा हूँ भाई, रायक्वाजा। और मैं कहा रायक्वाजा नहीं, पर रायक्वाजा, मैं भी देखकर खुद हैरान हो गया। मेरा स्कोर उसमें हुआ था कुछ 110, एग्जैक्टली 110 ही हुआ था। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एवल इंट्रो लगा। टाइम मशीन को बनाने वाला कोई और नहीं, अपना प्यारा सेलिवी है। अब मैं बताता हूँ वो कैसे। तो सेलिवी चाहता होगा कि उसके अलावा बाकी सब भी टाइम ट्रैवल कर सके, तो उसने मेल्टॉय के झुंड के अड्डे में सेफ जगह मिली होगी, और वो वहाँ गया और उसने वहाँ बात करके वहाँ एक टाइम मशीन बना ली। अब ये बोलोगे मेल्टॉय का अड्डा क्यों, तो तुमने एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता होगा कि मेल्टॉय के जो अड्डा था ना, उसी जगह के अंदर बनी हुई थी टाइम मशीन। ये एक चीज़ हो गई, इसीलिए मैंने बोला मेल्टॉय के अड्डा, ठीक है। तो सेलिवी ने वहाँ पर एक टाइम मशीन बना ली, फिर उसे लगा कि ये टाइम मशीन गलत हाथों में ना जाए, तो उसने ऐसा किया कि उसने मेल्टॉय को वरदान दिया कि मेल्टॉय की स्पिन होने से ही ये टाइम मशीन काम करेगी। इसीलिए तुमने देखा होगा कि मेल्टॉय जब स्पिन करता है तभी वो टाइम मशीन काम करती है, और मेल्टॉय के अलावा और कोई पोकेमोन टाइम मशीन को नहीं चला सकता। तो भाई बस यही थी थ्योरी। और एक और चीज़ कि जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कौन सा वीडियो है, वो उस वीडियो को मैंने नहीं अपलोड किया है, ना मैंने किसी दोस्त ने अपलोड किया है मेरे किसी। बस एक चीज़ कि मेरे को वीडियो अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि जाकर देखो, नहीं तो मैं किसी को नहीं, किसी अनजान के वीडियो का नहीं बोलता हूँ कि किसी को कि तुम उस वीडियो को जाकर देखो। अगर तुम्हारा मन है देखने का तो जाओ देखो, और अगर नहीं देखने का मन है तो मत देखो यार, मेरे को क्या है, ठीक है। और एक और चीज़, बस वीडियो इतना ही था। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस तुम्हें देखने को मिलेगी, ठीक है। हर ट्यूसडे को मैं वीडियो डालता हूँ, और जिस ट्यूसडे को मेरा वीडियो ना आए तो समझ जाना कि उस समय मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, वैसे ही मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दूँगा, ओके। एग्ज़ाम टाइम पर भी एक बार मैं कम से कम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिख ही दूँगा कि टेस्ट चल रहा है, अभी वीडियो नहीं आएंगे, पर टेस्ट ख़त्म होने के बाद आ जाएंगे। तो एक और चीज़, अभी मैं न्यूली स्टार्ट कर चुका हूँ, तो वीडियो पता नहीं कैसा लगा होगा, उम्मीद है पसंद आया आपको। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और
अगले ट्यूसडे को वीडियो देखने के लिए तैयार रहना, और तब तक के लिए गुड बाय।